नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम आज अभ्यास 12 का 8 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। एक ठोस शीशा के गोलक का व्यास, गोलक है, व्यास है 14 सेंटीमीटर। इस गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं ज्ञात करें। भैया ये तो बड़ा गोलक है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, अगर 14 का आधा कर दें तो 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास है। तो 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला गोलक है और इनसे हमको बनाना है 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला गोलक, 7 का आधा हो जा रहा है, तो कितने गोलक बनेंगे। तो जो बनेंगे ना वो तो आपका आयतन होगा, कितना शीशा लगा है वही शीशा, बड़ा शीशा, बड़ा गोलक का शीशा छोटा छोटा होकर छोटा गोलक बनेगा, तो कितना गोलक बनेगा। तो हमें क्या करना है, छोटे गोलक का आयतन और बड़े गोलक का आयतन, संख्या तो मालूम करना है। छोटे गोलक के आयतन से बड़े गोलक के आयतन में भाग करेंगे तो जितना आएगा भैया वही तो उत्तर होगा, गोलकों की संख्या। जैसे मान लीजिए एक बड़ा गोलक है आपका, छोटा गोलक माने छोटा गोलक से आप समझिए, छोटा गोलक है 5, छोटा गोलक को अगर 5 छोटा गोलक को जोड़ेंगे एक बड़ा गोलक बनेगा, उसका आयतन बड़ा होगा, तो उस बड़े आयतन में एक छोटा गोलक का आयतन से भाग करेंगे तो निकल जाएगा 5। चलिए इसका आयतन और इसका आयतन में भाग करते हैं और मालूम हो जाता है ठोस गोलक की संख्या, अर्धव्यास के ठोस गोलक की संख्या, ठोस गोलक की संख्या लिखेंगे और फिर भाग कर देंगे, ठीक है। तो आयतन का पता है आपको, आयतन का सूत्र क्या हुआ, 4πr³/3 में भाग करेंगे 4³/3, जहाँ आर का मान बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा। अगर हम समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को समझना अनिवार्य होता है ताकि हम समाधान कर सकें। चलिए मित्रों उत्तर की तरफ, गोलक की संख्या लिख देते हैं, गोलक की संख्या, आप चाहें तो छोटे गोलक की संख्या या फिर संख्या लिखकर भी बना सकते हैं, गोलक की संख्या बराबर देखिए आप यहाँ लिख सूत्र लिख दीजिएगा और मैं भी बना सकता हूँ, जगह हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर कैसे निकलेगा संख्या, बट्टा भाग करना है तो बड़े गोलक का आयतन छोटे गोलक का आयतन से भाग करेंगे, वो आयतन का हम सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं बड़े गोलक का आयतन छोटे गोलक का आयतन, लिख दे क्या, हम सूत्र बिठाते रहे आप लिख लीजिएगा, मेरा तो साधन नहीं है लिखने का। चलिए हम आयतन लिख रहा हूँ सूत्र का सीधा, 4πr³/3, ये बड़े गोलक का आयतन हुआ, फिर दूसरा गोलक का आयतन 4πr³/3 छोटे गोलक का आयतन। मित्रों अगर आप चाहें बड़े गोलक का आयतन दिखाना तो इसको आप बड़ा लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, बड़े गोलक का आयतन छोटे गोलक का आयतन हो गया, आप मान बिठा दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए मान बिठाते हैं, मान बिठाने से पहले जो मिला है ना उसे काट कर हटा दीजिए, सबसे अच्छा 3 कट गया, 4π को काट दिया, देखिए भैया r³ बचा, तो यहाँ पर r का मान कितना था, 7, बड़ा 14 था ना तो उसका आधा 7 हो गया, 7³, यहाँ 3.5 का क्यू, अब कितना होगा आप लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा
थोड़ा सरल करने में आगे दिक्कत हो सकता है। यह दिक्कत का तो सवाल नहीं है, पर तो लंबा हो जाएगा। देखिए खैर समझ में आ जाए तो अच्छा है। 7 का क्यूब डिटेल में लिखता हूँ, 7 × 7 × 7 और 3.5 को मैं 3 बार लिख दे रहा हूँ, 3.5 × 3.5 × 3.5। अब देखिए 3.5 को समझ लीजिए पहले। क्या हम 3.5 को ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के बदले में 1 और 1 अंक के लिए 1 0, 35/10 लिख सकते हैं ना। तो सबके नीचे 10-10 है, अब सब 10 को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7 या भैया 35 रहने दीजिए, 35 × 35 × 35 और सबका जो है 10-10 ऊपर चला जाएगा, 10-10-10 हो गया। अब काट दीजिए, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 7×5 = 35, फिर ऊपर जाइए, 5×10, 5×10, 5×10, है ना मज़ेदार, कितना हो गया, तो 2×2×2 8 हो गया, 2×4 = 8, तो कितने गोलक बनेंगे, 8 गोलक। समझ में आ गया, तो वैसे भी खास कोई बड़ा नहीं है, आसानी से सरल हो गया 8। तो उत्तर होगा कितने गोलक तैयार किए जा सकते हैं, 8 गोलक पूरा हुआ। अब हम 9 नंबर बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।